हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए, ये पनीर है 250 ग्राम, दो प्याज, दो टमाटर, ये कुछ काजू है 10-15, मेलन सीड और पॉपी सीड जो मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के लिए है, जिनका हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। ये धनिया पत्ती, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल है कुछ हमें पनीर को तलने के लिए लगेगा और कुछ ग्रेवी बनाने के लिए लगेगा। ये एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये एक टीस्पून रेड कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, एक क्रीम है फेनुग्रीक लीव, कसूरी मेथी, ये तीन हरी इलायची है, चार लवंग है, आधा इंच का दालचीनी का पीस है और दो तेज पत्ता है, काजू, मेलन सीड और पॉपी सीड हमें मिक्सी में ग्राइंड करके लेना है, उसका अच्छे से पेस्ट बना के लेना है। मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालती हूँ। हम प्याज की पेस्ट बना लेते हैं, टोमेटो का भी पेस्ट बना के लेना है। टोमेटो प्यूरी बन के तैयार हो गई है। गैस फ्लेम ऑन करती हूँ और थोड़ा ऑयल डालती हूँ, पनीर फ्राई करके लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम ये पनीर उसमें फ्राई करके लेते हैं। पनीर को थोड़ा सा ही फ्राई करके लेना है। ये हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। ऑयल हमने गरम करने के लिए रखा है करी के लिए। ये तीन हरी इलायची है, तीन चार लवंग है और आधा दालचीनी का स्टिक है। ऑयल गर्म होने से पहले ही हमने इसे डाला है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से ऑयल में आ जाए। अब हम ये प्याज की पेस्ट इसमें डालते हैं। हम 2-3 मिनट हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है, प्याज ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम उसमें ये टोमेटो प्यूरी डालेंगे। हमारा टोमेटो पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालते हैं। ये 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 2-3 मिनट हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी टोमेटो और प्याज के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ये काजू, मेलन सीड और पॉपी सीड का पेस्ट डालते हैं। एक मिनट भून लिया है, इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं। ड्राई मसाले में ये हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। ये
ये मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा पानी डाला है जिसमें मसाला था थोड़ा यूज कर। हमें इसकी फीकी ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा पतली ग्रेवी बनानी नहीं है, इसलिए थोड़ा ही पानी डालेंगे। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। मुझे ये ग्रेवी थोड़ी सी ये छलनी से पास करना है, उसकी वजह से वो स्मूथ हो जाती है। मैं वो प्रोसेस आपको बताती हूँ कैसे करनी है। इस तरह से हमें इसे इस छलनी से पास करना है। छलनी से पास होके सिर्फ ये जो कुछ भी इसमें रहा है वो बड़े वाला अगर कोई पीस है या कुछ है, जिंजर गार्लिक का ये है, वही रहा है, बाकी सब छलनी से पास होके इस तरह से अच्छे से पेस्ट बन के निकला है। हमारा स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो गया है, जिसे मैं वापस से कढ़ाई में डालती हूँ। अब हम इसमें ये गरम मसाला डालते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला है और ये थोड़ा फेनुग्रीक ड्राई फेनुग्रीक लीव्स है, इसे हमें अच्छे से क्रश करके डालना है। ये 1 चम्मच क्रीम, इसमें हम ये पनीर डालते हैं। और 2-3 मिनट के लिए इस पनीर को ग्रेवी के साथ मिक्स करके पका लेते हैं। ये थोड़ा सा क्रीम इसके ऊपर डालते हैं। ये हमारी शाही पनीर की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आती है तो आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।